करण जौहर जैसे शख्स अगर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। जिस पिक्चर का ट्रेलर तुमने पहले देखा है वो पिक्चर तो डब्बे में चली गई है भाई, ठीक है। अब जो नई पिक्चर है वो बिना ट्रेलर के आ रही है, ठीक है, और लोगों को बहुत मजा आने वाला है। कोई बात नहीं यार, बट आई थिंक हम दोनों बहुत ही ज्यादा पैशनेट है हमारे करियर्स को लेकर, एंड उसे पता है कि ये शो मेरे लिए कितना मजेदार होने वाला है, एंड ही हैज गिवन मी अ कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई विश टू डू इन माय लाइफ। हाय, थैंक यू सो मच। सो दिव्या, कितनी एक्साइटेड है आप बिग बॉस ओटीटी में जाने के लिए? जाना चाहेंगे आपसे? देख लीजिए मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड बहुत खुशी की बात है कि ये बूट पे हो रहा है, बिग बॉस ओटीटी, एंड बूट इज माय होम चैनल। आई वर्क विद बूट फॉर 3 इयर्स एंड आई हैव दैट स्पेशल बॉन्ड विद बूट एंड एमटीवी, एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट एमटीवी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप बिग बॉस के घर में गई थी, वो छोटा सा ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर दिखाने का वक्त है, तो क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? यार जिस पिक्चर का ट्रेलर तुमने पहले देखा है वो पिक्चर तो डब्बे में चली गई है भाई, ठीक है। अब जो नई पिक्चर है वो बिना ट्रेलर के आ रही है, ठीक है, और लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज दिव्या अग्रवाल 4 साल पहले फौरी थी, वो शायद थोड़ी डरी हुई थी, पर अब वो डरी हुई नहीं है, अब वो बहुत ही फियर्स पर्सनालिटी है, एंड जब वो आएंगी टीवी पर तब सबको बहुत मजा आएगा। ओके, क्या लगता है आपको आप कैसे मैनेज करने वाली है बिग बॉस के घर में, क्योंकि 24 आवर लाइव होने वाला है, तो कैसे मैनेज करेंगे? भाई ये मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे रहा ये 24 आवर्स लाइव वाला सीन। आई थिंक आई एम वेरी प्लेफुल एंड वेरी चेयरफुल एज अ ह्यूमन, एंड आई थिंक पीपल आर गोना लव मी, एंड 24 आवर्स स्टिल आई वुड आई नो दैट वोंट बी इनफ फॉर द पीपल, एंड दे आर गोना रियली लव माई जर्नी, दे आर गोना रियली एंजॉय, सो मुझे किसी बात का डर नहीं है यार, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहने वाली हूँ। एंड वरुण अभी ही आए थे खतरों के खिलाड़ी से, एंड आप अभी जा रही है बिग बॉस के घर में, तो कैसे सहोगे दोनों इतनी दूरियां? अरे यार कैसा सवाल पूछ लिया तुमने, एकदम जलते जख्म पे उंगली। कोई बात नहीं यार, बट आई थिंक हम दोनों बहुत ही ज्यादा पैशनेट है हमारे करियर्स को लेकर, एंड उसे पता है कि ये शो मेरे लिए कितना मजेदार होने वाला है, एंड ही हैज गिवन मी अ कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई विश टू डू इन माय लाइफ। तो हाँ थोड़ा सा दर्द होगा पर सह लेंगे थोड़ा। ओके, एंड इससे पहले भी आपको बिग बॉस का ऑफर आया था, तो आपने इस बार ही क्यों जाने का सोचा बिग बॉस के घर में? क्योंकि इस बार मेरी जिंदगी में सब कुछ सही है। यूजुअली लोग बिग बॉस तब जाते हैं जब उनकी जिंदगी में कुछ सही नहीं होता है, कोई उनको पॉइंट आगे रखना होता है या उनको करियर में कुछ चाहिए होता है। आई थिंक आई वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन जिसके करियर में और जिसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड कोई स्ट्रेस ना हो, एंड देन मैं ये गेम खेलना चाहूंगी, एंड बिग बॉस वॉज नेवर अ बैकअप ऑप्शन फॉर मी। येस इट वॉज अ कॉल फॉर सेकेंड इनिंग्स के हाँ अगर पर्सनैलिटी चेंज हो गई तो जरूर दिखाएंगे लोगों को, अपने फैंस को दिखाएंगे, पर ये टाइम शायद जल्दी आ गया, एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज द राइट कॉलिंग, एंड मुझे ऐसे बस मन की आवाज आई और मैंने हाँ कर दी। एंड जानना चाहेंगे बिग बॉस इमोशन का गेम है, तो क्या लगता है आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रख पाओगी, क्या होगा? 100% आई गेस मैं कंट्रोल नहीं रखूंगी, आई एम गोइंग टू बी माय सेल्फ, एंड मेरे अंदर क्योंकि वो एक पर्सनालिटी शो है तो मेरे अंदर जितने इमोशंस हैं वो आई एम 100% श्योर के बहुत लड़के और लड़कियां रिलेट कर पाएंगे उस चीज को, एंड बहुत खुश होंगे ये देख के जान करके उनके जैसा भी कोई है जो ऐसा ही फील करता है और जो ऐसे ही बात करता है। सो आई थिंक इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग टर्न ओवर, एंड इट्स गोना बी एन इमोशनल जर्नी, एंड आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस हैपनिंग इनसाइड द हाउस। ओके, एंड सलमान खान नहीं होने वाला है बिग बॉस ओटीटी में, तो करण जौहर होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि डबल पनिशमेंट होगी, सब कुछ डबल होगा, तो उसके लिए कितने तैयार हो आप? यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ शो के लिए, करण जौहर को मिलूंगी, करण जौहर मुझे जानेंगे, एंड बहुत ही बढ़िया लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिला है टू यू नो एक करण जौहर जैसे शख्स अगर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, जो होना है होता रहेगा, आई वॉज ऑलवेज बोल्ड, एंड मैंने MTV में रियलिटी शोज कर चुकी हूँ मैं, तो आई गेस वो बोल्डनेस और वो यू नो
परफॉर्मिंग ब्यूटीफुली अंडर प्रेशर मेरे काम आने वाला है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे काम आने वाला है, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस ऑन बिग बॉस ओटीटी। ओके, एंड कुछ हफ्तों बाद आप सलमान खान से भी मिलेंगे, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? सलमान खान के बिना बिग बॉस नहीं है, लाइक अगर सलमान खान को ना मिले बिग बॉस में तो क्या ही किया बिग बॉस। तो आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर सलमान खान ऑल्सो, बिकॉज उनसे मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मुझे काफी क्लैरिटी मिलेंगी, एंड दैट वुड बी द ओनली पर्सन इन माई लाइफ फॉर दैट मोमेंट वेयर थिंग्स विल चेंज एंड यू नो ही कैन इन्फ्लुएंस माई डिसीजन, ही कुड इन्फ्लुएंस एवरीथिंग अराउंड मी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम विद हिम, एंड आई नो हाउ मच ही इज इन्वॉल्व इन बिग बॉस खुद ही, तो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग शो, आई एम 100% श्योर दिस ईयर। ओके, सो आपके ये बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, तो किसी से आपने टिप लिया या किसी ने आपको टिप दिया है जाना चाहेंगे? यार सबने मुझे डरा ही दिया है, ठीक है, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी शादी होने वाली है और मैं ससुराल जा रही हूँ, और सब मुझे बोल रहे हैं ढंग से खाना बनाना, ढंग से बात करना सबसे, बिल्कुल गुस्सा मत होना, अच्छे से तैयार होके रहना, मतलब ये सारी चीजें मेरे पास आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि यार मैं सुनूंगी सबकी, करूंगी दिल की, तो मैं अंदर जा के अपनी दिल की ही करूंगी, एंड आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स और किसी और की एडवाइस लेके मुझे आगे नहीं जाना है, क्योंकि अगर उस एडवाइस में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन ले, मेरे से कोई ऊंच नीच हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो खुद ले सकती हूँ भाई। एंड लास्टली जाना चाहेंगे, वरुण को जब पता चला उसका कैसा रिएक्शन था, वो कैसे रिएक्ट कर रहा था? दो इमोशंस है इसमें, एक तो ही वाज अ लिटिल अपसेट कि मैं जाने वाली हूँ इतने लंबे समय के लिए, और दूसरा ही वॉज प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज हम दोनों पैशनेट है काफ़ी अपने काम को लेकर, एंड वो चाहता है कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ जो मेरा मन कहे, एंड उसने मुझे वैसी बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट किया है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बट जस्ट द मिसिंग पार्ट इज ट्रबलिंग अस, दैट्स इट। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, व्यूअर्स, क्या कहना चाहेंगे उनसे? I am so glad that you guys have always been there with me, and I want you all to still be there with me. Now the time is right, and it's going to be like quite interesting, and I would need your love and support. So please keep showering your love and support in any way possible.